हेलो दोस्तों, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे कोविड वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज लेने के बाद जो सर्टिफिकेट निकाला जाता है उसको हम मोबाइल में कैसे निकाल सकते हैं, उसको आपको मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, अब हम क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और फिर से यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है कोविन, कोविन लिखकर सर्च कर लेना है। फिर से हमारा वही वेबसाइट आ जाएगा, तो उसी वेबसाइट पर फिर से जाना है। ये वेबसाइट पर आने के बाद हमको नीचे चले जाना है, यहाँ पर नीचे जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट यहाँ पर जो लिख कर ओपन हो गया है, यहाँ पर गेट सर्टिफिकेट पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा वैसे ही इंटरफेस कुछ आएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा ओटीपी आ जाएगा। तो यह हमारा ओटीपी आ चुका है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ओटीपी पर जो है कि एंटर कर लेंगे हमारा ओटीपी, फिर यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यह हमारा जो है कि आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक को सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं, यह हमारा फर्स्ट का जो है इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डोज वन डोज टू सब कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर सो सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यह हमारा आ चुका है डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो यहाँ से हमें डाउनलोड सिंपली कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद यह हमारा पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह हमारा जो है कि कोविड सर्टिफिकेट आ चुका है। आप देख सकते हैं यह हमारा कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है। तो ऐसे ही आप अपने मोबाइल से भी अपना कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप कोविड वैक्सीन लेना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उस पर एक वीडियो है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी मिल जाएगा, तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।